सुप्रभात बच्चों, आप अपना अटेंडेंस बना लें। आज मैं आपको बुक से जो कुछ व्याकरण का अंश है उसको मैं बता देना चाहूँगा। यद्यपि यह इस परीक्षा के लिए उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी थोड़ी भर के लिए जरूरी है। इससे पहले कि पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अटेंडेंस बना लिए होइएगा या नहीं तो बना लीजिए। आप तो बच्चे क्लास से बिलोंग करते हैं, छोटे क्लास के बच्चे हैं। आप लोगों को विलोम शब्द आता ही होगा। विलोम का मतलब उल्टा होता है, विपरीत जिसको कहते हैं। विपरीत शब्द, उल्टा शब्द, विलोम शब्द एक ही होगा। तो विश्वास का विलोम शब्द हो गया अविश्वास, शांति का अशांति, कामयाब का नाकामयाब, डर का निडर। तो ये विलोम शब्द का लाता है। और पर्यायवाची शब्द जो होता है, जिसको कि मोटा मोटी समझिए शब्दार्थ, क्या है वो शब्दार्थ, उसका दूसरा नाम, किसी शब्द का दूसरा नाम ही पर्यायवाची कहलाता है। जैसे कामयाब, मैं इस काम में कामयाब हो गया, मैंने सफल हो गया, मैं इस काम में सफल हो गया। तो कामयाब का मतलब सफल होना, उपलब्धि हासिल कर लेना। उसी प्रकार विश्वास का मतलब होता है भरोसा, एतवार, एतवार, एतवार का मतलब होता है विश्वास। तुम पर मैंने एतवार किया, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा दिया। मैंने तुम पर एतवार किया, बदले में तूने मुझे धोखा दिया। तो एतवार का मतलब होता है विश्वास करना। विश्वास, भरोसा, एतवार, शांति का चैन, सुकून, तसल्ली। दिन का होगा दिवस, दिवा, वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वार मतलब क्या हुआ? दिन। वार मतलब दिन, जान लीजिए वार मतलब दिन होता है। एक वार का मतलब आक्रमण भी होता है। चीन के सैनिकों पर वार करो, आक्रमण करो, तो वार का मतलब आक्रमण होता है, लेकिन यहां पर वार का मतलब
शब्दों के लिए एक शब्द या जो अनेक शब्द हैं उसका शॉर्ट में एक ही शब्द में पूरे का अर्थ मालूम पड़ जाना अनेक शब्द के बदले एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसे भय ना हो, जिसको भय ना हो, जिसके पास भय ना हो। अब बताओ, जिसके पास भय ना हो, इतना शब्द है, क्यों ना उसके बदले एक ही शब्द दे देंगे निर्भय। जिसके पास भय ना हो निर्भय, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह। निसंदेह नहीं होता, निसंदेह नहीं होता, निसंदेह। संधि विच्छेद जब कीजिएगा तब लिखिएगा नि धन संदेह, नि धन संदेह, निसंदेह। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय, विश्वसनीय, जो कविता लिखता है कवि, और जो कविता लिखती है कवयित्री, जिसे डर ना हो नीडर। वर्ण विच्छेद में सात का स आ थ अ, जितने भी व्यंजन हैं उसमें हलंत समझिएगा। हम हर व्यंजन में हलंत नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ व्यंजन का उच्चारण है स्वतः उसमें आप हलंत समझिएगा। दिन ड धन ई धन न धन अ आ धन ज धन अ व धन ई धन श तलाबे श अधे है, हलंत दीजिएगा लेकिन अ नहीं दीजिएगा। धन वोज धन आ धन स धन अ क धन आ धन म धन अ धन य धन आ धन व धन अ कामयाब। अब देखिए मन, मन पुलिंग है, थोड़ा मन बड़ा पापी सांवरिया रे। इस पंक्ति से मन पुलिंग शब्द को इंडिकेट करता है, इसलिए मन पुलिंग है। मन बड़ा चंचल होता है, होती नहीं है। तो मन पुलिंग है, हाथ पुलिंग है, हाथ पतला है, हाथ लंबा है। शांति, शांति स्त्रीलिंग है, हमें शांति मिल गई, शांति स्त्रीलिंग है। विश्वास पुलिंग है, हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए नहीं, नहीं करना चाहिए। कामयाबी, मुझे कामयाबी मिली है, स्त्रीलिंग है। कामयाबी
स्त्रीलिंग है, दीन दीन पुलिंग है, रात स्त्रीलिंग है, रातें ढलती नहीं, ढलता नहीं नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन ये गुजरता नहीं। देखिए एक गाने की पंक्ति है जिससे रात और दिन स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग इसका बोध हमें हो जाता है। रातें ढलती नहीं, दिन ये गुजरता नहीं, तेरी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। पत्ता भी देख लो, पत्ता भी पुल्लिंग है, पत्ता हिलता है। तो गाने की कुछ पंक्तियां ऐसी होती है जिससे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढने में आपको काफी मदद मिलेगी। दिन पुल्लिंग है, रात स्त्रीलिंग है, पत्ता पुल्लिंग है। तुक वाले शब्द जो अंतिम वर्ण एक ही जैसा हो, खास करके कवि लोग तुक का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं, क्योंकि लास्ट वाली पंक्ति का जो अक्षर होता है करीब करीब मिलता जुलता है। बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, दोनों लास्ट गा से। तो ऐसे शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं। तो मन तन धन तुकांत शब्द हुआ, आज काज राज गाज नाच सब लास्ट में जो होना चाहिए हो गया तुक वाला शब्द। और कोर भोर मोर तोर सोर क्या है तुक वाला शब्द। सात नाथ साथ नाथ इसी तरह का जो तुकार्थी सब हम तुम गम यम एक उसका बहुवचन क्या। अब जैसे बहुत से
व्यक्ति बोलते हैं राम के अनेकों नाम है। अरे अनेकों क्या, अनेक का मतलब ही हुआ एक से ज्यादा, तो अनेक तो स्वयं जो है जैसे कि बहुवचन में है, तो अनेकों का मतलब क्या, अनेकों शब्द गलत हो जाएगा, अनेक ही होगा। तो अपने देश के दो नाम, हिंदुस्तान, भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड, ये सब हमारे देश का, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया तो खैर इंग्लिश में हो गया, नहीं तो ये सब आर्यावर्त, ये सब शब्द जो हुआ, सो हमारे देश का पर्यायवाची हुआ। वैसे हमारे देश में तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी एक भाषा है, गणित एक भाषा नहीं है, विज्ञान एक भाषा नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, फ्रेंच, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, ये सब क्या भाषा है। तो आप दो को भाषा लिखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, या संस्कृत और हिंदी, चूंकि सारे भाषाओं की जननी है संस्कृत, संस्कृत से ही खास करके हिंदी की उत्पत्ति हुई है, पहले हिंदी भाषा नहीं थी, देव भाषा संस्कृत है, देवताओं के समय में हिंदी नहीं थी, केवल संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। दो महापुरुष का नाम, महापुरुष उसे कहते हैं जो अपने जीवन काल में कुछ ऐसी कृति करके गए हैं जिनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया है, जिनकी स्मृति आज भी लोगों को आती है। तो वैसे महापुरुष में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, देखिए कैसी बड़ी विडंबना है कि जिसने कुछ नहीं किया, जिसने हमारे देश को गर्त में रख करके चला गया उसको लोग महापुरुष कहते हैं, और जिसने देश के लिए अपनी प्राण की आहुति दे डाली उसको महापुरुष नहीं कहते हैं। हमें तो वैसे पीर पापड़ों को महापुरुष कहना चाहिए। आज के डेट में देखिए आप सलमान खान के फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हो, नहीं बड़े बड़े फिल्म स्टार के फैन हो गए, आपके पैसे से वह करोड़पति अरबपति हो गया, लेकिन इतना गिरा हुआ चरित्र का व्यक्ति है, आप उसे भगवान मानते हो। अरे भगवान उसको ना मानो जो अभी चीन के लड़ाई में 20 सैनिक हमारे मारे गए, हीरो तो हम उसको ना कहेंगे, जो हम दिवाली में खुशियां मनाते हैं घर में अपने परिवार के साथ आनंद से रहते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, किसके बल पर,
सैनिकों के बल पर हमको कहता है तुम आराम से घर में रहो, तुम्हारी रक्षा मैं सीमा पर कर रहा हूँ। तो हीरो वो की फिल्मी हीरो बताइए आप, सही हीरो वह है ये जो है फिल्मी दुनिया वाला हीरो नहीं है। फिल्म में जो है जो कि कमर लचका लेना ये हीरो का निशानी नहीं है। हीरो का मतलब देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहिए ना। आज से आज कहते हैं हीरो शाहरुख खान और सलमान खान और करण जौहर, इसको बंदूक थमा दो क्योंकि जा 2 मिनट सीमा पर यह है कि जाकर के पाकिस्तान के सैनिकों का मुकाबला करो, चीन के सैनिकों का मुकाबला करो, सब हीरो पानी इनका जो है सो घुसर जाएगा। ये हमें और तुम्हें उल्लू बनाते हैं, समझे कि नहीं? क्या हम फिल्म नहीं देखेंगे तो मेरा काम नहीं चलेगा? फिल्म देख करके अपना समय गोल्डन समय बर्बाद करते हैं और उसका श्रेय उसको जाता है। मेरे पैसे से करोड़पति अरबपति हो गया है, हैं? और इतना नीच भावना नहीं, ये ठीक बात नहीं है। हमारे देश की जो रक्षा के लिए रात दिन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं, सच्चे अर्थ में मेरे हीरो वही हैं। मैं केवल हीरो अगर मानता हूं तो उन्हीं को मानता हूं। तो ठीक है, आज की पढ़ाई बस इतनी ही, पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। मुलाकात तो ऐसे भी नहीं हो रही है आपसे, आप तो अपने घर पे हैं, मैं स्कूल में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मेरे समक्ष बैठे हुए हैं जैसे मैं मेरे समक्ष में आप बैठे रहते थे और क्लासरूम में आपको पढ़ाया करता था। मुझे अभी भी वैसा ही लग रहा है। कल्पना मैं वो कल्पना करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।